और मैं यहां से आ रहा था, तुम्हें दिखा नहीं क्या? Just stop it. अरे मैं और बेइज्जती सहन नहीं कर सकती आप लोगों से. बोला ना एक एक्सीडेंट था, और अगर गलती मेरी है तो सर जी क्या देखकर नहीं चल सकते थे? मैंने कोई जानकर इनकी शर्ट खराब नहीं की है खाना गिरा करे, इसलिए इतना ह्यूमिलिएट करने की जरूरत नहीं है मुझे. और अब झनक देखती है सबकी ओर, कितनी तुच्छ सोच है इनकी. जो मर्जी आए बोल देते हैं उसे, पर अब बस. और नहीं सहने वाली उनकी आदतें. एक शर्ट मैली क्या हो गई कि सब उस पर टूट पड़े. और कहीं ना कहीं आज रुद्र और आदित्य अब झनक को ऐसे देख चैन की सांस लेते हैं. और सर जी, आपको सच में लगता है कि मैं जानबूझ के टकराई हूं आपसे? सो लेट मी बी वेरी क्लियर मिस्टर अनिरुद्ध बोस, आई हैव टर्न्ड यू डाउन अ मिलियन टाइम्स ऑन पर्पस. मुझे कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई अटेंशन नहीं चाहिए, और ना ही आपका टाइम चाहिए. पास्ट में भी ठुकरा है ना मैंने आपको. और अब झनक का पलटवार सुनकर सबसे ज्यादा तो अनी चौंकता है. और अब अर्शी और सृष्टि देखती है कैसे आज झनक अनी को ही सबके सामने नीचा दिखा दी. जो हरकतें वो कर रहा था अब झनक कर रही है. ये आखिरकार नफरत है या प्यार? जहां सभी अचंभित होते हैं झनक का इस कदर सबके सामने सच लाते हुए. अपना आत्मसम्मान की रक्षा आज झनक खुद कर रही है. अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं. एक बार नहीं, कई बार. याद है ना मिस्टर अनिरुद्ध बोस? और एक बार फिर नजरें मिलाती है झनक अनी से. उसकी हिम्मत कैसे हुई झनक की इंसल्ट करने की सबके सामने? वो उसकी कोई खिलौना नहीं. जब खेला खेल लिया, मन भर गया फेंक दिया. और शायद आज झनक की आंखें यही पूछ रही है अनी से कि क्या वो भी उन लोगों में रंग गया जो उसे हमेशा नीचा दिखाते रहे. क्या अनी भी उनके जैसे मैले कपड़े पहनने लगा है? और आज जो दाग अनी ने लगाई है झनक के दामन में, अब उसे ही साफ करना पड़ेगा. हमेशा झनक को इस कदर जलील होते नहीं देखना चाहिए अनी को. शायद यही बोलना चाह रही है आज झनक अनी से. और अब झनक सबके सामने से निकल जाती है पार्टी हॉल से. और सब देखते के देखते रह जाते हैं आज वो झनक को जो कभी बोला ही नहीं करती थी. वाकई में वो किसी के एहसानों के नीचे दबने वालों में से नहीं है. अब आगे क्या मोड़ लेता है ये जंग जो छिड़ी है अनी और झनक के मन में आदित्य को लेकर, देखना ना भूलिएगा हमारे चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर.